हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ईजली। तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में क्या करना है? आज हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। भाई, इलास्टिसिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके कारण प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12 अदर बोर्ड्स एंड क्लास 11 CBSE में ये हमारे टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो भाई, ईजिली का ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट। भाई, मैं आपसे कैसे मिलने आऊँगी? यूट्यूब पे और हमारे ऐप पे। तो ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, सॉरी टाइप करना है ईजिली, एंड देन यू विल गेट दिस। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, आप नए नए से यूज़र हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, देन आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, लोकेशन रखनी है ऑन, अगर ट्रैक ना हो पाए तो लोकेशन टाइप कर देना, देन पुट योर ओटीपी एंड वेरीफाई। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको हमारे साथ पढ़ना है कॉमर्स या साइंस, या फिर आपको एसएससी बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कॉमर्स में क्लिक कर दीजिए। तो क्लास 11 के लिए है हमारा उदय बैच, ठीक है, और 12 के लिए है हमारा शिखर बैच, राइट। देन यू विल बी कमिंग टू दिस फाइनल पेज, जहाँ पे आप हमारा कंटेंट कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारे साथ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, राइट, 11th के क्लास के स्टूडेंट पे क्लिक करके। ये कोर्स आपके लिए फ्री में मिलेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए फ्री ईजिली आपको आपका कोड डालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सबको ऐड टू कार्ट करके ये वाला कोड डाल देने पर ये कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो भाई सब पढ़ो, सब आगे बढ़ो, यही हमारा मोटो है। चले आगे, तो भाई डिस्कस क्या करना है आज? तो हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने इंट्रोडक्टरी क्लास की थी, जहां मैंने आपको इलास्टिसिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई डिमांड, जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करा था ना, कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन price of related goods, substitute goods, complementary goods, income of the consumer, taste and preference, government policy, ये सारी चीज़ें demand को affect करती है। तो वैसे ही price elasticity of demand को क्या effect करता है, वो इस class में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए start करते हैं। पहला जो हमारा point आ जाता है, nature of the commodity। तो nature of the commodity किस किस तरह के होते हैं? भाई नेचर में हम ये देख सकते हैं कि वो हमारी नेसेसिटी है, ठीक है, या फिर ये कमोडिटी हमारे लिए कंफर्ट गुड है। कौन सा गुड है? कंफर्ट गुड। तो भाई कंफर्ट गुड है तो महंगा होगा, नेसेसिटी है चाहे महंगी हो या सस्ती हो, लेनी ही पड़ेगी। नेसेसिटी यानी कि आपका एवरीडे का मील कंजम्पशन, ठीक है, जो आप हर दिन मील्स कंज्यूम करते हैं, अगर आप मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, ये आपकी लाइफ की नेसेसिटी है। तो जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं, जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं, वो नेसेसिटी के अंदर आते हैं। तो अगर उनके प्राइस जो हैं, अगर उनकी प्राइस इंक्रीज भी करती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फिक्स रहती है, या फिर बहुत थोड़ी सी रिड्यूस होगी, बहुत छोटी सी रिड्यूस होगी। ठीक है, राइट, तो ये बात हो जाती है किसकी? भाई नेसेसरी गुड्स के लिए। तो जो नेसेसरी गुड्स हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेना ही है, तो प्राइस कितना भी प्रेशर, प्राइस जो भी चेंज हो, जितना भी बढ़े, उनका कंजम्पशन फिक्स होता है। कम हो जाए तो ऑफकोर्स उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी। ऐसा तो है नहीं कि अगर बिल्कुल ही प्राइस कम हो गई तो हम हमारे 2 किलो आलू लगता है तो हम 25 ले आएंगे। हमारे को सब्जियां, क्योंकि पेरिशेबल नेचर का भी है फूड आइटम, राइट, और अगर मेडिसिन है तो क्या मेडिसिन हम अपने 5-10 साल के ले आते हुए काम नहीं, एक्सपायर हो जाएगी।
तो प्राइस बढ़े या घटे, हमारा कंजम्पशन जो है, हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ज़्यादा चेंज नहीं होती है इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर नेसेसरी गुड्स के लिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो लेस होगा कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये इन इलास्टिक होंगे। क्या होंगे, ये होंगे इन इलास्टिक। क्या होंगे, इन इलास्टिक। ठीक है, आगे बात समझ। कंफर्ट गुड की बात करें तो कंफर्ट गुड हमारे लिए कौन से हैं भाई। कंफर्ट गुड का एग्जांपल हमारे लिए कार कंफर्ट गुड है, एयर कंडीशनिंग कंफर्ट गुड है ना, कंफर्ट देते हैं हमको। तो ये कंफर्ट गुड के लिए प्राइस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। कंफर्ट तभी लोगे ना, क्योंकि अगर नेसेसरी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। कंफर्ट गुड जब आपकी सेविंग ज़्यादा होगी तब खरीदते हैं, जब इनके प्राइस, जब बिग बिलियन डे सेल आता है, अभी 15 अगस्त का सेल आता है अमेजोन का, तब हम ये कंफर्ट गुड के ऊपर ध्यान देते हैं। जब दिवाली आती है तो टाटा मोटर्स वाले, हुंडई वाले सब हमें ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे जो है कार लेने का, कार लोन देते हैं। तो तब हमको जब कार सस्ती पड़ती है, एयर कंडीशनिंग सस्ती पड़ती है, तब हम ये सारी चीज़ें जो हमारे कंफर्ट गुड हैं वो लेते हैं, राइट। तो भाई कंफर्ट गुड के लिए अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा फॉल होगा, राइट। हाँ, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या मतलब हो गया इसका कि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये क्या हो गए, ये हमारे लिए इलास्टिक हो गए। क्या हो गए, इलास्टिक हो गए, यानी कि इनकी इलास्टिसिटी जो है ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। और यहाँ पे नेसेसरी आइटम्स के लिए नेचर ऑफ द कमोडिटी से हम पता कर लेते हैं कि अगर नेसेसरी है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, और अगर कंफर्ट गुड है तो इलास्टिसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। आई बात समझ में, आ गई ना। चले हम सेकेंड वाले हमारे डिटर्मिनेंट पे। अब बात करते हैं हम अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी अगर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है, क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो क्या होगा, तो इलास्टिसिटी जो है वो क्या आएगी, वो मोर देन 1 आएगी। यानी कि क्या होगा, जो हमारा आइटम है वो इलास्टिक होगा। क्या होगा, इलास्टिक होगा, करेक्ट है। चलिए जी, ओके। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रा से मेरे को कमेंट करना, कौन सा ऐसा कमोडिटी है जिसके बहुत सारे हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। तो भाई जैसे एग्जांपल के लिए वेट कर रही हूँ, जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है। और लेस सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है, लेस नंबर ऑफ या फ्यू सब्स्टिट्यूट्स हैं, फ्यू सब्स्टिट्यूट्स हैं, या फिर नो सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो नो सब्स्टिट्यूट्स और फ्यू सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 हो जाएगी, यानी कि इन इलास्टिक होगी, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड होगा। तो लार्ज सब्स्टिट्यूट्स अगर अवेलेबल हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, तो हमको भाई थम्स अप भी मिल सकता है,
थम्स अप भी मिल सकता है, हमें कोक भी मिल सकता है, हम पेप्सी भी ले सकते हैं, हम सेवन अप भी ले सकते हैं, हम स्प्राइट भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी इलास्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अच्छा, लेस इलास्टिक सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट है अपने पास नहीं है, बहुत फ्यूअर सब्स्टिट्यूट है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, पर वो महंगे पड़ते हैं। तो हमारे पास रेलवेज, रेल से कहीं जाना, ट्रेन की टिकट, भाई बस से भी जा सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लेन से जाएंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा लगेगा, तो रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट, तो वो क्या है, इन इलास्टिक हो जाते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में, चले आगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट बात करी जा रही है यहाँ पे इनकम लेवल पे। ठीक है, तो भाई कुछ लोग होते हैं जिनका हाई इनकम लेवल होता है, क्या होता है, हाई इनकम होता है, और कुछ का लो इनकम होता है। तो भाई जिनका इनकम हाई है उनका अगर प्राइस, उनके जो वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं प्राइस बढ़े तो भी वो इनलास्ट है, अब फ़र्क नहीं पड़ता, भाई बाप दादा का बहुत पैसा है, मैं भी बहुत पैसे कमा रहा हूँ, तो प्राइस जो भी है बस आँख बंद करके खरीद लो। तो अगर इनकम लेवल हाई है तो प्राइस जो है ना बढ़े घटे फ़र्क नहीं पड़ता, मेनू की पैदा फ़र्क पड़ता। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए, हाई इनकम अर्नर्स के लिए इलास्टिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, इन इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक। लेकिन लो इनकम वाला तो सोच सोच के पैसे खर्च करता है, तो जैसे ही उसके लिए इलास्टिसिटी जो है वो हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। तो जब वो कमोडिटीज़ खरीदेगा तो सोच के खरीदता है कि भाई जब पैसे कम होंगे, पैसे इसके गिरेंगे तब ज़्यादा खरीद लूँगा, पैसे बढ़ गए तो नहीं भाव नहीं खरीदना, इनकम है ही नहीं उतनी, तो उनके लिए इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है। चलिए जी नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। भाई आपके घर का टीवी ख़राब हो गया, ठीक है, क्या आप दो दिन बिना टीवी के रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, आजकल तो फ़ोन में भी नेटफ्लिक्स चलता है, प्राइम वीडियोस चलते ही हैं, तो सोनी लिव चलता ही है ना, तो भाई आजकल उतना प्रॉब्लम, मतलब मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने कब अपना लास्ट जो है टीवी ऑन करा, आजकल फ़ोन पे ही सब हो जाता है। तो भाई टीवी ख़राब हो गए तो दो महीने बाद भी खरीद लेंगे, लेकिन गर्मियों में एसी ख़राब हो जाए, नया खरीदना हो तो नहीं कर सकते, खरीदना ही पड़ेगा। तो फूड आइटम जो है आप क्या उसका कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनका कंजम्पशन हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो अगर आप कंजम्पशन अगर पोस्टपोन कर सकते हो, फ्यूचर में कर सकते हो, अगर कंजम्पशन को हम कम क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन को हम डीले कर सकते हैं, यानी कि पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या होगी, इलास्टिक होगी, और उसका वैल्यू ईडी का क्या आएगा, ईडी ग्रेटर देन वन आएगा। ठीक है, लेकिन जो कंजम्पशन जो है हमारा, जिस भी चीज़ का, नेसेसरी आइटम्स का, अगर हम डीले नहीं कर सकते, पोस्टपोन कंजम्पशन को नहीं कर सकते, एट प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, तो वो हो जाते हैं इन इलास्टिक, क्योंकि आपको चाहे प्राइस बढ़े घटे आज के आज खरीदना पड़ेगा, तो ये ईडी इसका आता है लेस देन वन। आई बात समझ में, चले आगे। चलिए जी, तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजेस की बात करी जाए। भाई जिसके साथ जितने यूज़, उतनी उसकी पहुंच, उतनी उसकी पूछ, उतना उसका सम्मान। तो भाई अगर मल्टीपल यूजेस हैं उस कमोडिटी के, तो हम क्या करेंगे, उसको इनलास्टिक रखते हैं, और अगर एक आध यूज ही होता है तो कौन लेगा, छोड़ जाना तो। ठीक है, तो फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं, क्या है, मल्टीपल यूजेस। तो भाई मल्टीपल यूजेस हैं, वो कुकिंग में भी काम आएगा, ठीक है, वो वॉशिंग में भी काम आएगा, ठीक है, वो हमको फैन, लाइट, ये सब में भी काम आएगा, अप्लायंसेस सारे उसी से चलेंगे,
फैक्ट्रियां सारी उसी से चलेगी, घर में जितनी भी चीज़ें सब उससे चलनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं, तो मल्टीपल यूजेस हैं तो प्राइस इंक्रीज़ होगा तो भी लोग लेंगे, डिक्रीज़ होगा तो ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे, लेकिन इंक्रीमेंट पे ऐसा तो नहीं हो सकता हम कब कर लें। तो अगर नंबर ऑफ यूजेस जो हैं ज़्यादा हैं, ठीक है, हाई नंबर मल्टीपल यूजेस हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक होगी। मल्टीपल यूजेस होंगे तो जो चीज़ है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वो बन जाएगी इनइलास्टिक। क्या बनेगी? इनइलास्टिक, ठीक है। और अगर लिमिटेड यूजेस हैं, अगर लिमिटेड यूजेस हैं तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा इलास्टिक। आई बात समझ में? दो चार यूजेस ही तो हैं, अगर नहीं कर पाए तो बाद में कर लेंगे, राइट। चलिए, तो जितने ज़्यादा यूजेस होंगे उतना क्या होगा, वो इनइलास्टिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर मानिए आपकी इनकम है 50,000, ठीक है। इनकम कितनी है? इनकम भाई 50,000 है, तो इनकम का एक शेयर बोलती हूँ मैं 35,000। इनकम का एक शेयर 35,000 ले लेते हैं और एक छोटा सा शेयर निकाल देते हैं 200 रुपीस का, ठीक है। और एक शेयर हमने निकाल लिया है 35,000। तो 35,000 में आप क्या आप ले रहे हैं, आप यहाँ पे अपने सारे एक्सपेंसेस यानी कि रेंट प्लस फूड मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं घर के लिए, 200 रुपीस में आप नीडल खरीदते हैं, ठीक है, आप मैच बॉक्स खरीद रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो छोटा मोटा एक्सपेंसेस होता है घर का वो हमने अलग किया, ठीक है, मैच बॉक्स छोटी सी, नीडल छोटा सा, ठीक है, ये छोटे आइटम्स हम 200 रुपये में खरीदते हैं। तो अगर रेंट और फूड का प्राइस बढ़ गया तो भी तो लेना पड़ेगा ना टोटल एक्सपेंडिचर से, फिर भी, क्योंकि रेंट भी देना ही पड़ेगा, फूड भी लेना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन जो छोटा एक्सपेंडिचर है, अगर 200 का ये 300 हो गया, भाई पूरा का पूरा हमारा 50% बढ़ गया, तो क्या डिमांड हमारा कम हो जाएगा? नहीं, डिमांड कम नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, प्राइस बढ़े घटे डिमांड में इम्पैक्ट कम होंगे, यानी कि ये क्या होगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। तो जितना छोटा शेयर, जितना टोटल एक्सपेंडिचर का शेयर अगर स्मॉल शेयर होगा, स्मॉल शेयर कौन सा शेयर होगा भाई, स्मॉल शेयर, तो फिर इनइलास्टिक। अगर लार्ज शेयर हो इनकम का, लार्ज शेयर जैसे 35,000, तो वो हो जाएगा इलास्टिक, ठीक है। ईडी क्या होगा, ग्रेटर देन वन, और यहाँ ईडी क्या होगा, लेस देन वन। आई बात समझ? चले आगे। तो भाई छोटा सा है, 200 की चीज़ अब 300 में मिलती है, लेकिन मेरे इनकम का 50,000, मेरी इनकम का 300 और 200 बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अगर ये 35 से 40,000 हो गया तो भाई 10,000 ही तो बचेंगे इनकम में। तो ये जो शेयर है वो इलास्टिक, अगर हम मेजर शेयर करते हैं तो हम इलास्टिक होते हैं, ठीक है, कि भाई मैं अगर प्राइस गिरी तो हमारे पास बहुत सारी सेविंग बचेगी, प्राइस बढ़ गई तो हम देख देख के चीज़ें खरीदेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड और इलास्टिसिटी ना आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो स्मॉल टाइम पीरियड होगा, स्मॉल टाइम पीरियड होगा तो उतना ही ज्यादा इनइलास्टिक होगा, और अगर लार्ज टाइम पीरियड होगा, लार्ज टाइम पीरियड होगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोलते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होगा, इलास्टिक होगा। तो जब हम डिमांड कर्व्स ड्रॉ करते हैं तो शॉर्ट पीरियड के लिए हम स्टीप ड्रॉ करते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए हम फ्लैटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फ्लैटर और ये कौन सा हो गया, स्टीप। यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो अगर ये हमारा डिमांड कर्व है
तो ये कैसा बना है? फ्लैटर और वो स्टीप. तो स्मॉल टाइम पीरियड यानी शॉर्ट रन में हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते. तो कैसा बनेगा? स्टीप यानी कि इनइलास्टिक होता है. स्टीप कैसा होता है? इनइलास्टिक होता है. फ्लैटर कैसा होता है? इलास्टिक होता है कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज. भाई मैम दिखा दीजिए, शो कर दीजिए, बिल्कुल देखो. तो यहाँ पे जब प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इतनी सी चेंज हुई. ठीक है, जब P0 से P1 हो गया तो प्राइस इतना चेंज हुआ, लेकिन Q0 से Q1 छोटा सा चेंज है. ये हमारा छोटा सा चेंज है. वैसे यहाँ चेक करूँ, प्राइस जो है थोड़ा सा फॉल किया लेकिन क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया. तो जितना हमारे पास लॉन्ग रन, एकदम एक्सट्रीम लॉन्ग रन आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और एक्सट्रीम शॉर्ट रन में वर्टिकल. ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमको टाइम पीरियड कम मिलेगा उतना हमारा डिमांड इनइलास्टिक होगा, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड मिलेगा उतना इलास्टिक होगा. तो ये क्या है? लॉन्ग रन के लिए है. और ये किसके लिए है? ये शॉर्ट रन के लिए है. ठीक है, तो शॉर्ट रन में इनइलास्टिक, लॉन्ग रन में इलास्टिक. तो ईडी की वैल्यू हमारी शॉर्ट रन में लेस देन वन आ जाएगी और लॉन्ग रन में ईडी की वैल्यू मोर देन वन. आई बात समझ में? भाई मेरे साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो है हैबिट. भाई आदत लग गई है, हैबिट में है आपको, एडिक्शन है. ठीक है, तो इलास्टिक क्या होगा? बहुत कम होगी, इलास्टिसिटी कम होगी. इफ़ थिंग्स आर इन योर हैबिट, दे आर इन योर एडिक्शन, ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होगा? इन इलास्टिक होगा. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक यानी ईडी लेस देन वन. ठीक है, प्राइस चाहे चेंज हो आप उसका कंजम्पशन कम नहीं करना चाहोगे, और कम किया है तो थोड़ा सा कम करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा आपके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से. ठीक है, तो हमेशा क्या मिलेगा? इन इलास्टिक डिमांड मिलेगा. चलिए, और हैबिट में नहीं है, नॉट इन हैबिट है. ठीक है, आपको अगर किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं है, शौकिया तौर पे कभी कर लिया लेकिन एडिक्शन नहीं है, तो क्या होगा? इलास्टिक होगा. और इलास्टिसिटी क्या आएगी? ईडी मोर देन वन आ जाएगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस छोटा होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से. क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज जो है वो ज़्यादा होगा. ठीक, आगे बात समझ, चले आगे. ओके, अब तो भैया ये हमने पढ़ लिया है तो एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं. तो पहले हमने बोला कि नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है, तो हमने उसको कैसे बोला कि भाई अगर हमारे पास नेसेसरी गुड्स हैं या फिर कंफर्ट गुड है. ठीक है, तो नेसेसरी गुड के लिए हमने आपको क्या बताया? नेसेसरी गुड के लिए इलास्टिसिटी जो होगी वो लेस देन वन होगी, और कंफर्ट गुड के लिए इलास्टिक होगा मोर देन वन. ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की नंबर ऑफ यूजेस पे. किस पे बात करी? नंबर ऑफ यूजेस. ठीक है, अगर मैनी यूजेस होंगे, ठीक है, या फिर फ्यू यूजेस होंगे. करेक्ट, अगर मैनी यूजेस हैं किसी चीज़ के, ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं तो वो इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा? भाई बहुत सारे यूजेस हैं तो लेना ही पड़ेगा, मल्टीपल यूजेस हैं तो वो इलास्टिक हो जाएगा, और अगर लेस यूजेस हैं तो इनइलास्टिक हो जाएगा. उसके बाद हमने बात करी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पे. नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पे हम क्या देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मैनी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि फ्यू सब्स्टिट्यूट. अगर मैनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होगी, फ्यू अवेलेबल हैं तो लेस देन वन होगी. राइट, क्योंकि इलास्टिसिटी ही, अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, स्विच कर जाएंगे, प्राइस बढ़ गया, नहीं लेंगे उस कमोडिटी को.
फिर हमने बात करी है यहाँ पे शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर पे, नंबर 4 शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है, या तो मोर होगा या तो लेस। तो अगर ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर से है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 है। भाई छोटा सा, कमाते हो लाखों रुपए और खर्च करते हो 5 रुपए किसी चीज़ पे, 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए होगी तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो उसकी इलास्टिसिटी लेस देन, ठीक है। अब भाई सॉल्ट है, कि पूरे टोटल इनकम का सॉल्ट जो आप यूज़ करते हो, नीडल हो गया, सॉल्ट हो गया, मास्टर हो गया, कितना यूज़ करते हो सॉल्ट? 1 किलो 2 किलो 4 किलो? अब 5 रुपए बढ़ भी गए सॉल्ट में तो क्या बिल्कुल सॉल्ट खाना ही छोड़ दोगे? ऐसा नहीं है, इसीलिए ये इनइलास्टिक है, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? हैबिट पढ़ा। भाई हैबिट में होगा तो हमको लेना ही पड़ेगा, यानी इनइलास्टिक। हैबिट में नहीं है तो फिर इलास्टिक। देखिए ज़रा, हैबिट हमने डिस्कस करा, फिर यहाँ पे टाइम पीरियड हमने डिस्कस करा है, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे हैबिट डिस्कस हो गया। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं हैबिट। तो हैबिट में अगर है, तो अगर हैबिट यस है तो फिर क्या होगा? इनइलास्टिक हो जाएगा। और हैबिट में अगर नो है तो वो इलास्टिक होगा, ठीक है। अगर हैबिट में है, एडिक्शन में है, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी? इलास्टिसिटी लेस देन 1 आएगी। और अगर नहीं है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1। लास्ट पॉइंट है हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। 6th पॉइंट हमारा क्या है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर हमारे पास शॉर्ट रन है, यानी कम टाइम है, या फिर लॉन्ग रन है, यानी कि ज़्यादा टाइम है, तो लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन 1 होती है, और शॉर्ट रन में इलास्टिसिटी लेस देन 1, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हमें अपने बिहेवियर को चेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप सो आपको समझ में आए हो। कई बार एग्जाम में सिंगल एक फैक्टर लिख देता है एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, कई बार इसके एप्लीकेशन आ जाते हैं, कई बार और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि कोई 3 फैक्टर्स आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो से कवर होंगे। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन, लर्न विद अ स्माइल।